सज्जन सर के साथ आप देख रहे हैं धर्मनगर टीवी। दोस्तों आज के मुख्य समाचार, सर के गांव खेड़ी चौकटा में हालत तनावपूर्ण, खनौरी बॉर्डर जाने पर लड़े किसान, पुलिस अर्धसैनिक बल के जवान तैनात। करनाल में किसानों का काला दिवस, जिला सचिवालय में व्यूम टोल पर दिया धरना, हरियाणा और केंद्र सरकार के फूके पुतले। आंदोलन में मरे किसान के परिवार को 1 करोड़ मिलेंगे, बहन को सरकारी नौकरी, सीएम बोले कातिलों को सलाखों के पीछे डालेंगे। किसान आंदोलन 11वां दिन, हार्ट अटैक से किसान की मौत, अब तक 7 जाने गई। चरखी दादरी में निकाली सरकार की सब यात्रा, रोष मार्च निकाला, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के पुतले फूके, प्रदर्शन किया। पानीपत में वाटर टैंक में डूबने से बच्चे की मौत, खेलते उस समय हुआ हादसा। एमपी अनूपपुर में जंगली हाथी के हमले से 1 की मौत, 2 घायल। झज्जर के किसानों ने भी मनाया काला दिवस, एमपी मोदी और गृह मंत्री के पुतलों का दहन, बोले शांतिपूर्ण माहौल में वार्ता करे सरकार। नारनौल में किसानों के समर्थन में वकीलों का वर्क सस्पेंड, किसी भी कोर्ट में आज नहीं हुआ काम, राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। नारनौल में सड़क के बीचों बीच गिरा पेड़, बड़ा हादसा टला, वाहनों की लगी लंबी कतार, घंटों बाधित रहा ट्रैफिक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।